अब्दुल्ला है और कुनियत अबू बकर है, लकब सिद्दीक भी है और हकीम भी है। और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में बाशहादत दो साल बाद आपकी विलादत मुकद्दसा हुई और सातवीं पुष्प पर जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताजदारे सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का शजरा नसब मिल जाता है। वहां पर जाकर अबू बकर सिद्दीक और ताजदारे कायनात का जो जंग है जो अब्दुल है वो एक हो जाते हैं सातवीं पुष्प लेकर। जो सातवां बंदा होता है वहीं पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा भी मिलता है और जनाब का शजरा भी वहीं पर मिलता है। आपके वालिद का नाम अबू खाफा उस्मान है, वालिदा मोहतरमा का नाम उम्मुल खैर सलमा है। आप सबसे अव्वल इस्लाम कबूल करने वाले बालिग मर्दों में से कुछ हजरा मौलाना मुर्तजा इस्लाम के अव्वल होने का इजहार करते हैं, उसमें कोई शक नहीं। सैयदना इमाम आलम को हीफा नुमान बिन साहब सबसे पहले जनाब अबू बकर सिद्दीक बच्चों के अंदर सबसे पहले कमोबेश 8-9-10 करोड़ बातें मिलती है तकरीबन 10 साल की उम्र में बच्चों के अंदर मौला अली मुर्तजा इस्लाम लेकर आए और औरतों में जनाबे सैयदा खदीजा पाक रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन और गुलामों में ज़ैद बिन आसा वो इस्लाम लेकर आए गुलाम। यूं तकबीर की है इमाम और गुलामों की अलग-अलग